प्रश्न नंबर तीन, 3x4 प्लस 6x3 माइनस 2x2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3। देखिए हमें ये बहुपद दिया हुआ है और इसके दो शून्य दिए हुए हैं वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3। इसके बाकी शून्य हमें ज्ञात करने हैं। अगर यहाँ हम देखें कि सबसे बड़ी घात 4 है, इसलिए दिए गए बहुपद के अधिकतम 4 शून्य हो सकते हैं। दो हमें दे रखे हैं, बाकी दो शून्य हमें ज्ञात करने होंगे। अब यदि वर्गमूल 5/3 दिए गए बहुपद का शून्य है तो x माइनस वर्गमूल 5/3 इसका एक गुणनखंड होगा और x में से ये माइनस करेंगे तो x प्लस वर्गमूल 5/3। तो ये दोनों दिए गए बहुपद के गुणनखंड होंगे। तो हम लिखेंगे क्योंकि वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3 दिए गए बहुपद के शून्य हैं, इसलिए x माइनस वर्गमूल 5/3 और x प्लस वर्गमूल 5/3 दिए गए बहुपद के गुणनखंड है। अगर ये दोनों गुणनखंड है तो इन दोनों के गुणा करने के बाद भी जो रिजल्ट आएगा वो भी इसका गुणनखंड होगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, वर्गमूल 5/3 का वर्ग करेंगे तो 5/3 आएगा, क्योंकि जैसे इसका स्क्वेयर करते हैं तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाता है, 5/3 ही बचता है। ये भी दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। अब ये इसका गुणनखंड है तो हम इसको भाग दे देते हैं, 3x4 प्लस 6x3 माइनस 2x2 माइनस 10x माइनस 5 को हम x2 माइनस 5/3 से भाग देंगे। तो इसे हम 3x2 से गुणा करेंगे तभी ये इसके बराबर आ पाएगा, 3x4। अब माइनस 5/3 को 3x2 के साथ गुणा करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5x2 माइनस प्लस, ये प्लस का फैक्टर और ये माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस 6x3 माइनस 2 प्लस 5, तो प्लस का 3 बचेगा, x2 माइनस 10x माइनस 5। अब यहाँ x2 है, यहाँ 6x3, तो इसको प्लस 6x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6x3 माइनस 5/3 को जब प्लस के 6x से गुणा करेंगे तो 3 × 6 माइनस के 10x, घटाते समय साइन चेंज, जितना प्लस का पद है उतना ही माइनस का, तो ये कट जाएगा, प्लस 3x2, ये माइनस का पद है और ये उतना ही प्लस का पद है, ये भी कट जाएगा, माइनस 5। अब प्लस 3 से गुणा तो ये 3x2 और माइनस 5, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
और ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस तीन एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स स्क्वायर माइनस पाँच प्लस पाँच कैंसिल से स्थल जीरो। अब विभाजन एल्गोरिथम से हम ये फैक्टर ये गुणा ये लिख सकते हैं। तो तीन एक्स पावर चार प्लस छः एक्स क्यूब माइनस दो एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स माइनस पाँच बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पाँच बटे तीन गुणा तीन एक्स स्क्वायर प्लस छ एक्स प्लस तीन। अब देखिए इस फैक्टर से हमें दो शून्य प्राप्त हो चुके हैं। अब इस गुणनखंड के आगे फिर से और गुणनखंड कर देते हैं, दो शून्य हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ से तीन एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स प्लस तीन बराबर तीन हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस एक, और यहाँ से देखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दो ए बी, यानी ये एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो क्योंकि अब इसके शून्य ज्ञात करने हैं, इसका मान शून्य होगा यदि ये शून्य है, और इसका मतलब तीन एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स प्लस तीन के शून्य क्या होंगे, एक्स प्लस वन का स्क्वायर हम जीरो के बराबर रखेंगे तभी प्राप्त होंगे, एक्स प्लस वन का स्क्वायर जब जीरो के बराबर होगा यानी एक्स बराबर माइनस एक और माइनस एक, दो बार इसलिए लिखा क्योंकि इसका स्क्वायर है। तो तीन एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स प्लस तीन के शून्य होंगे माइनस एक और माइनस एक, जो इसके शून्य है वही दिए गए बहुपद के अन्य दो शून्य है, इसलिए दिए गए बहुपद के अन्य दो शून्य माइनस एक और माइनस एक होंगे। आगे प्रश्न नंबर चार, एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः एक्स माइनस दो और माइनस दो एक्स प्लस चार हैं, तो जी एक्स ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर बहुपद पी एक्स तो दिया है, वो है एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो, भाजक जी एक्स आपको ज्ञात करना है, भागफल क्यू एक्स जो है आपको एक्स माइनस दो दिया है, इसके अलावा शेषफल आर एक्स जो है वो माइनस दो एक्स प्लस चार दिए। अब हमें जी एक्स फाइंड आउट करना है, जी एक्स ज्ञात करना है। तो विभाजन एल्गोरिथम से हमें पता है पी एक्स किसके बराबर होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो यहाँ से जी एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, जी एक्स जो है वो पी एक्स माइनस आर एक्स
divided by qx. px यहाँ पर है x cube minus 3x square plus x plus 2 minus rx minus 2x plus 0 by qx यानी x minus 2. तो ये आएगा x cube minus 3x square minus into minus plus 2x plus 1x 3x और ये plus के 2 और ये minus के 4 तो minus 2. बटे में x minus 2 अब gx जो है हमें इस बहुपद को x माइनस 2 से भाग करने पर प्राप्त हो जाएगा. तो हम x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को x माइनस 2 से भाग दे देते हैं. पहले x स्क्वायर से गुणा करनी होगी x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस करेंगे साइन चेंज करते हुए प्लस x क्यूब कैंसिल हो जाएगा और माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर हैं तो माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 यहां पर बचेगा. अब माइनस x स्क्वायर चाहिए इसलिए इसको माइनस x से गुणा करेंगे माइनस x स्क्वायर माइनस इनटू माइनस प्लस 2x साइन चेंज करेंगे माइनस x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर कैंसिल प्लस के 3x माइनस के 2x तो प्लस का 1x माइनस 2. अब देखिए सेम फैक्टर है तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 माइनस प्लस कैंसिल 0. अतः जी एक्स की वैल्यू जो है वो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 होगी. प्रश्न नंबर 5 बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा फर्स्ट पार्ट px की घात बराबर qx की घात सेकंड पार्ट qx की घात बराबर rx की घात और थर्ड पार्ट है rx की घात बराबर 0. तो आइए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण चूज करने हैं जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा जिसमें px की घात qx की घात के बराबर हो. तो ये हमें पता है कि जैसे हम px को किसी अन्य बहुपद gx से भाग देते हैं तो भागफल qx आता है और शेषफल rx आता है. अब देखिए px की घात qx की घात के बराबर कब होगी. ये हमें पता है कि px की घात gx की घात प्लस qx की घात के बराबर होती है. इसलिए अगर हम gx को कोई जीरो घात वाला बहुपद ले लेते हैं अर्थात एक अचर पद ले लेते हैं तो px की घात qx की घात के बराबर हो जाएगी. तो इस प्रश्न का हल करने के लिए हम gx जो है वो एक अचर पद लेंगे. तो px मैं अपनी मर्जी से कोई भी मान सकता हूं. जैसे मैं यहां px मान लेता हूं 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 और gx मैं एक अचर पद लेता हूं से 5 ले लेता हूं.
अब विभाजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, 5x² प्लस 5x प्लस 9, इसको 5 से भाग देंगे, पहले x² से गुणा करनी पड़ेगी 5x² और घटाएंगे तो यहाँ नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 5x² और माइनस 5x² कैंसिल, अब प्लस 5x ऊपर से उतरेगा, 5 को मैं x से गुणा करूँगा, 5x घटा देंगे, प्लस 5x और माइनस 5x कैंसिल, अब 9 उतरेगा, 5 एकम 5, शेषफल 4। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि px की घात भी 2 है और qx की घात भी 2 है और ये हमारे पास rx आ जाता है। तो इस प्रश्न के हल में हम ये लिख सकते हैं कि px बराबर ये, gx बराबर ये और qx बराबर x² प्लस x प्लस 1 और rx बराबर 4। तो इस तरह से हम इस प्रश्न के अनगिनत उदाहरण दे सकते हैं। px आप अपनी मर्जी से कोई लीजिए, कोई बहुपद लीजिए और इसको एक अचर पद से भाग दे दीजिए, तो हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए px, gx, qx और rx प्राप्त हो जाएंगे। अब सेकंड पार्ट में हमें px, gx, qx और rx ऐसे चूज करने हैं जो विभाजन एल्गोरिथम को तो संतुष्ट करते ही हैं, साथ में qx की घात rx की घात के बराबर होती है, कि भागफल की घात शेषफल की घात के बराबर। इसके लिए देखिए हमें पता है कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx और rx की घात हमेशा ही px से कम होती है। तो मैं यहां पर qx अपनी मर्जी से ले लेता हूं x प्लस 1। इसी तरह से rx भी इसी घात वाला ही ले लेता हूं x प्लस 5। अब gx rx से बड़ी घात वाला हम कोई चूज कर लेते हैं, से x² माइनस 1, ठीक। तो x² माइनस 1 को x प्लस 1 से गुणा कर देते हैं, तो ये आएगा x² को x से गुणा करूंगा x³, x² को 1 से गुणा करूंगा x², फिर माइनस 1 को x से गुणा माइनस x, माइनस 1 को प्लस 1 से गुणा माइनस 1, प्लस x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर ये x³ प्लस x², ये आपस में कैंसिल, माइनस 1 प्लस 5 प्लस 4। तो देखिए यहाँ पर हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए px चूज करेंगे x³ प्लस x² प्लस 4 और gx चूज करेंगे x² माइनस 1। अब इसे भाग करके दिखा देंगे, x³ प्लस x² प्लस 4 और इसको x² माइनस 1 से भाग दिया, तो यहाँ पर x³ है या x² है तो x से गुणा करनी पड़ेगी, x³ और माइनस x, अब x वाला कोई पद नहीं यहाँ पर तो माइनस x मैं अलग लिख देता हूँ, प्लस x³ से माइनस x³ कैंसिल, फिर प्लस x² और प्लस x प्लस 4। अब प्लस 1 से गुणा कर देते हैं, x² माइनस 1 घटाएंगे, x
प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचे एक्स प्लस फाइव। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आर एक्स की घात क्यू एक्स की घात के बराबर। तो यहाँ पर पी एक्स एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर लिया, जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक, और क्यू एक्स जो है वो एक्स प्लस एक, और आर एक्स जो है वो एक्स प्लस पाँच। तो इस तरह से पहले पार्ट की तरह से सेकंड पार्ट के भी अनगिनत हल हो सकते हैं, और ये उदाहरण सिलेक्ट करने के लिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में देखिए, हमें ऐसे पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स और आर एक्स सेलेक्ट करने हैं जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, साथ ही जिसमें शेषफल की घात जीरो हो। तो शेषफल की घात जीरो का अर्थ है कि शेषफल जो है एक ऐसर पद है। यहाँ पर मैं शेषफल को कोई एक ऐसर पद ले लेता हूँ, क्यू एक्स अपनी मर्जी से मैंने एक्स प्लस एक सेलेक्ट कर लिया, जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हमें पी एक्स प्राप्त हो जाएगा एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस एक की एक्स के साथ गुणा माइनस एक्स, माइनस एक और प्लस एक की गुणा माइनस एक प्लस पाँच, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस चार। अब देखिए यहाँ पी एक्स जो है वो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस चार होगा, और जी एक्स हम मान लेते हैं, जी एक्स हमने माना था एक्स स्क्वायर माइनस एक। अब पी एक्स को जी एक्स से भाग कर देते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर, इसे एक्स स्क्वायर माइनस एक से हम भाग देते हैं, पहले एक्स पे एक्स क्यूब एक्स के माइनस एक के साथ गुणा माइनस एक्स, प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस चार। अब हम इसे प्लस एक से गुणा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक घटाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस चार प्लस एक प्लस पाँच। तो यहाँ देखिए पी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस चार तथा जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक लेने पर हमें क्यू एक्स जो है वो एक्स प्लस वन प्राप्त होता है, और आर एक्स हमें प्लस फाइव प्राप्त होता है। यह हम देख रहे हैं कि शेषफल की घात क्या है, जीरो। अब हमने पी एक्स लिख दिया है, जी एक्स लिख दिया है, क्यू एक्स हम लिखेंगे एक्स प्लस एक, और आर एक्स लिखेंगे पाँच। तो हमने यहाँ पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स का ऐसा उदाहरण दिया है जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता ही है, साथ में आर एक्स की घात भी जीरो है। तो इस तरह से हम अनगिनत उदाहरण इसके दे सकते हैं। ये उदाहरण सिलेक्ट करने के लिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं।